मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रात 8 बजे के लगभग लोकेंद्र पिता हुकुमचंद यादव की उसी के गांव के 3 लोगों ने मिलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। महेश्वर थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार ने बताया कि महेश्वर के निकट ग्राम गोला से मृतक लोकेंद्र यादव अपने साथी लखन के साथ भुवा की चाय की दुकान पर आए। थाना प्रभारी ने बताया कि लखन को जब पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बताया कि वापस आते वक्त उसी के गांव के 3 लोग राकेश मंगल और दीपक सामने से आए और लोकेंद्र से मारपीट करने लगे। उसने बचाने की कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तो गांव वालों को बुलाने गया। लोकेंद्र को लेकर परिवार वाले अस्पताल आए जहां डॉक्टर ने लोकेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि तीनों आरोपियों पर धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी के साथ महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। प्रथम दृष्टि कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर आए हैं, आहत है, जिसका नाम लोकेश यादव हुकुमचंद यादव गोला का है, जो कंडक्टरी करता है। तो यहाँ जब ये सूचना मिली तो हॉस्पिटल में और स्टाफ के साथ पहुँचे और डॉक्टर साहब ने उसको चेक करके उसे मृत घोषित कर दिया था। उसकी बेबारी मजदूरी में रखवाई, उसके बाद में अंदर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उसी के गांव का गौला का एक लखन है, वो उसके साथ था। तो उसके साथ था जिससे लखन को तलाश कर उससे पूछताछ की गई। तो लखन द्वारा बताया गया है कि ये गांव गौला से करीब 7:30 बजे यहाँ इनकी बुआ के लड़के हैं, यहाँ पे महेश्वर में चाय की दुकान चलाते हैं, वहाँ ये आ गए थे। तो ये भी वहाँ पे लखन आ गया था अपनी बाइक से और ये दोनों बाइक से एक हथनी मैदान है वहाँ गए और कोई वहाँ पे एक परिवार रहता, उस परिवार से इनने 10-15 मिनट की बात की दोनों ने और ये फिर वापस अपने घर वहाँ से हथनी मैदान से जा रहे थे। तो सामने से इसी के गाँव के 3 लड़के राकेश मंगल और दीपक ये आ गए और इन्होंने आपस में वहाँ गाड़ी रुकवाई, बोले कि मम्मी को दिखाना है, दीपक द्वारा ये बोला गया और इसी में हाथापाई इनकी हुई और इन्होंने इसके मृतक लोकेश यादव के साथ तीनों ने मारपीट शुरू कर दी पत्थर वगैरह से। लखन का ये कहना है कि इसने बीच बचाव किया पर वो नहीं माने, तब वो लखन इन्हें इसको यहाँ छोड़ था ये मारपीट कर रहे थे, इसे गांव में सूचना देने गया था। तो वहाँ से जब आया तो वो इसके परिवार के साथ में इसको हॉस्पिटल आया जहाँ पे डॉक्टरों ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया था। इसमें 3 आरोपी के नाम आए हैं जो धारा 302 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।